PSL जो शुरू हुआ अपने अंदर भी एक क्रिकेट का जज्बा फिर से जाग गया, तो कॉलेज की स्पोर्ट्स सोसाइटी ने सोचा कि हम भी अपने लिए क्रिकेट लीग अरेंज कर लेते हैं, जो कि अभी हो रही है। और उसके कुछ रूल्स ऐसे हैं, टूर्नामेंट में है 8 टीमें जो कि 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। इसका मतलब सिर्फ 4 बेस्ट टीम्स क्वालिफाई करेंगी आगे के राउंड के लिए। मैच है सिर्फ 5 ओवरों का, मतलब के गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 5 ओवर ऐसे खत्म हो जाते हैं। तो हम बीकर हाउस के दोस्तों ने डिसाइड किया कि खेलेंगे तो एक ही टीम से, और उसका नाम होगा द कमांडोज। और चाहे हम टूर्नामेंट जीतें या ना जीतें, लेकिन एक टीम को हराना लाजमी है, और वो है फाहद की पर्ची 7। क्योंकि फाहद और आवाद ने बहुत बातें की हुई थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब तुम्हें बताते हैं GT वाले क्रिकेट कैसे खेलते हैं। आओ जरा मैदान में खुशबू लगा के। हाँ भाई बताओ कैप्टन साहब क्या कर रहे हैं। बॉयज बॉलिंग भी बेस्ट, बैटिंग भी बेस्ट, अपना फुल मोटिवेशन के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, मैच के शुरू में फाहद की टीम ने हमें काफी टफ टाइम दिया, ओपनिंग बैट्समैन को भी उड़ा दिया, और फिर हमें ये फिक्र लग गई कि शायद ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। बॉल की और बॉल। लेकिन एक बात मेरे जेन में रही कि GT का नाम बदनाम नहीं होने देना, क्योंकि इस देश को मेरी जरूरत है और कमांडो इनिंग्स आज मैंने यहाँ से खेल के ही जानी है। ओ ओ क्या शॉट है लड़के, एक और प्यारी शॉट, क्या बात है। बाकी आगे की इनिंग्स में इनके साथ क्या हुआ वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो सीन ये है कि हम पहला मैच अपना जीत गए हैं, और एक मिनट, एक ओवर में 2 विकेटें ली और एक छक्का खाया था जो मैंने रोक लिया था, कैच किया था, रोक लिया था, और बाकी रन्स भी किए हैं कोई एक ओवर में कोई 10 वगैरह। कैप्टन भी दिखाओ, कैप्टन कैप्टन ने तो फील्डिंग बहुत कमाल की है, और अब इसी खुशी में हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। यस आज कमांडो न्यूज के साथ हम हाजिर हैं सर अतनान के साथ। सर जी क्या कहना चाहेंगे, इतनी खूबसूरत शाम आप यहाँ बैठे हुई नहीं है वैसे। अच्छा इतनी खूबसूरत सुबह, सारे प्लेयर्स आए हुए हैं खेले, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, इवेंट तो अच्छा हो रहा है। सर जियो न्यूज को इंटरव्यू नहीं दे रहे जरा सही तरह, कैसे देते हैं? अगला मैच फेज 5 की और फेज 1 की पापा की प्रिंसेस के दरमियान था। बातें तो ये भी तारे तोड़ने की कर रही थी, मगर मुश्किल से बॉल इनकी बैट्समैन तक पहुंचती और वो भी वाइड निकलती। खैर ओवर टू यू दानिश। शेर दिल इधर आइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। शेर दिल जाओ, इधर आओ। यस यस, ये आपने जो लास्ट मैन स्टैंडिंग लीग खेली है उसमें आप टॉप विकेट टेकर हैं। Yes. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा था। है बॉल टेम्परिंग तो नहीं किया आपने? कोशिश की थी, हुई नहीं। अच्छा चले, अल्लाह आपको कामयाब करे। और यहाँ पे भी ओए, मेरा भी यही रिएक्शन था जब पता चला कि फ्लड लाइट्स में मैच होना है, वो भी सीनियर्स के साथ। फिर हारना ही था, लेकिन बात ये है क्रिकेट है यार, होता है, मतलब समझ तो आप गए होंगे। हाँ वो बड़े लड़के लाए थे, वैसे जन्मन बात है, बड़े लड़के लाए थे। ये देखिए मैच देखिए यार, इधर आओ जरा, ऐसे ऐसे बड़े बाबे आके आप ही रहेंगे, इज्जत करना सीखो। चलो है कोई बात नहीं, स्टार सीनियर होता रहता है कोई नहीं, यार होता है। ग्रुप स्टेज के ऊपर तीनों के तीनों मैचेस जीते हैं, जो मेजर एम था हम लोगों का, मेजर एम अपना था क्वालिफाई करना। अब इन्होंने खुद ही ट्रॉफी यानी टूर्नामेंट खुद ही करवा के ट्रॉफी को ले ली, तो फिर फायदा क्या? खेल में तो ऐसे होता है, करने में नेक्स्ट टाइम। मगर ये सारा गुस्सा और कंपटीशन सिर्फ ग्राउंड तक ही रहता है, बाकी ऑल दैट मैटर्स इज द फन यू हैड एंड द मेमोरीज यू मेड। मिस्टर बिग साइनिंग ऑफ।